नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। पीएम मोदी झारखंड के देवघर में हैं, जहां उन्होंने 16,000 करोड़ से अधिक की देवघर, एम्स, हवाई अड्डे और अन्य विकास परियोजनाओं की उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने रोड शो किया। वहीं रोड शो में लोगों की जमकर भीड़ उमड़ी। वहीं पीएम मोदी ने जनता को संबोधित भी किया और संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के विकास की योजनाओं में बहुत सारा लाभ मिलने वाला है, देवघर प्रोजेक्ट का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विकास की सभी परियोजनाओं के लिए सभी झारखंड वासियों को बधाई देता हूं। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। हम सभी ने देवघर एयरपोर्ट को और देवघर एम्स, इसका सपना लंबे समय से देखा है। ये सपना भी अब साकार हो रहा है। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़। फरीदाबाद में 15 से 17 जुलाई तक सूरजकुंड में 3 दिवसीय बीजेपी पार्टी द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा और इस शिविर में तमाम विधायक, सांसद, मंत्री और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के प्रशिक्षण शिविर कोई पहली बार नहीं लग रहे। केंद्र से लेके मंडल तक के हमारे नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर लगते रहते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं और ये प्रशिक्षण मंडल का भी लगता है, जिले का भी लगता है, प्रदेश का भी लगता है, केंद्र का भी लगता है, चुने हुए विधायकों का भी लगता है, लोकसभा के मेंबरों का भी लगता है। तो उसी निमित्त 3 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का एक प्रशिक्षण शिविर है। इसमें अलग अलग विषय होंगे जिन पर हर कोई ना कोई बड़ा नेता आकर वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जो कार्य समिति है उसमें उन विषयों के बारे में सारी बातचीत करने वाले हैं। बिजनौर रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में 2018 बैच के रिक्रूट आरक्षियों की प्रशिक्षण परेड समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 183 आरक्षियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने परेड का निरीक्षण किया, परेड की सलामी ली और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। रायबरेली में दबंगों ने पिता और बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया और इस दौरान दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। शिकायती पत्र के आधार पर लोगों को पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये वही बदमाशी का मामला है। अच्छा, मारने वाले आपको कौन है? कौन मारने वाले? तो बहुत जने रहे हैं, किसी को हम जान नहीं पाए कौन कौन है। किसी को पहचानते हो? पहचानते तो है, एक का तो जरूर है पहचानते। तो क्या नाम है? जो राम सने ही है, राम सने एक मेरिया है, उसकी बिटिया है। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही से एक मजदूर की जान चली गई। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी इलाके का है, जहां राकेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति अपना मकान बना रहे थे, जिसके लिए ईंट लोनी के मंडोला इलाके से आ रही थी। जब रात ईंटों का ट्रक खोड़ा कॉलोनी पहुंचा तो हाईटेंशन तार काफी नीचे होने के कारण ईंटों से भरे ट्रक बिजली की चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। विभाग के एक्सीएन ने खोड़ा नगर पालिका को इसका जिम्मेदार ठहराया है। जैसे ही गाड़ी जैसे रुकी, गर्मी के कारण बंदा पलट रहा था, थोड़ा नींद में था, लौटने की कोशिश करी तो हाथ ऊपर करा था, उसका हाथ लगा। कितने बजे का मामला था ये? लगभग क्या ये मामला था? ये 12:15 बजे का। बस का करंट लग गया ऊपर गाड़ी के ऊपर। किस वजह से करंट लगा था? क्या करंट? वो गाड़ी पे चढ़ रहा था ऊपर फट्टे वट्टे उतारने के लिए, और चढ़ते ही उसके हाथ में करंट लग गया, ईंटों वाली गाड़ी पे। ईंट कहाँ उतारी जानी थी? ये खोड़ा में उतारी जानी थी, कॉलोनी में।
कारपेट बिल्डर के यहाँ? ये नहीं पता जी हमें किसके यहाँ, ये ड्राइवर को मालूम है। कौन थे वो आपके रिक्शे में? भाई लगते थे। रामपुर की तहसील टांडा में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए और पकड़े गए आरोपियों के पास से कई कारतूस बरामद किए गए हैं। बीती रात थानाध्यक्ष टांडा अजयपाल सिंह को सूचना मिली कि खुशालपुर गांव में शेर मोहम्मद के यहाँ गोकसी की घटना की जा रही है और कई लोग बाहर के भी आए हुए हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मैं फोर्स के वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर लोग गोकसी करते हुए पाए गए और पुलिस पर देखते ही उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें थानाध्यक्ष घायल हो गए हैं, लेकिन मौके पर एक बदमाश भी घायल हुआ और इस बदमाश का नाम आबिद है, इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी के तीन साथियों को और को गिरफ्तार कर लिया गया, कुल चार आदमी गिरफ्तार हैं, दो आदमी भागने में सफल हो गए। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस द्वारा माफिया एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चार गैंगस्टर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कई कीमती सामान भी बरामद किए गए हैं और आगे से कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। कानपुर पुलिस लाइन में पीएससी के नव चयनित आरक्षियों की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 148 आरक्षियों ने परेड की। पुलिस कमिश्नर ने पीएससी आरक्षियों और उनके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि अब ये पुलिस का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। आज पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह था, जिसमें हमारे जो रिक्रूट ट्रेनीज थे ये करीब 148 आज उनकी पासिंग आउट परेड थी। इस अवसर पर उनका ये समारोह आयोजित किया गया था। बड़ी अच्छी परेड उनके द्वारा, बहुत ही उम्दा परेड प्रस्तुत की गई। मैं इस अवसर पर हमारे रिक्रूट्स को, उनके परिवारजनों को, सभी को बधाई देना चाहूँगा कि वो आज से हमारे पुलिस का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके। सुल्तानपुर में प्रमुख सचिव के निर्देश पर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यानी परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। जिला स्तरीय विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक एआरटीओ प्रवर्तन नंद कुमार ने बताया कि जनपद में एआरटीओ कार्यालय से सैकड़ों स्कूली वाहनों का फिटनेस जारी किया गया है और जनपद में 100 से अधिक ऐसे वाहन चिन्हित किए गए हैं जिनकी फिटनेस फेल है। देखिए, बैठक हुई थी जिला विद्यालय परिवहन यान समिति की बैठक हुई थी। ये बैठक साल में दो बार होती है, एक जनवरी में, एक जुलाई में। तो ये जुलाई वाली बैठक ड्यू थी, इसमें बैठक हुई। बैठक की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि प्रमुख सचिव परिवहन महोदय द्वारा ये एक शासनादेश निर्गत किया गया है। उस शासनादेश में यह कहा गया है कि जो विद्यालय हैं जहाँ परिवहन सेवाएं हैं, वो एक फार्मूला तय कर दिया है कि उस फार्मूले के तहत ही उनसे किराया वसूल किया जाएगा। सोनभद्र में आगामी कावड़ यात्रा और जलाभिषेक के संबंध में कोतवाली रॉबर्ट्सगंज में समन्वय बैठक की गई। इस बैठक में उपस्थित कावड़िया संघ और व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से बात की। इस दौरान कावड़ यात्रा के रूट संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए तैयारियों और आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 14 अगस्त 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसमें पहला सोमवार 18 को, फिर 25 को, 1 को और 8 को सोमवार हैं, जिनमें हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है और मंदिरों में भीड़ भाड़ होती है, जिसके दृष्टिगत कांवड़ संघ के साथ और इसमें जो व्यवस्था में लगे हुए विभिन्न विभाग हैं उनके साथ बैठक हुई है, जिसमें खास करके जो तीसरा और चौथा सोमवार है उसमें सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी और विभिन्न विभागों के कोऑर्डिनेशन से क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, उसके संबंध में विचार विमर्श किया गया है।
सोनभद्र पुलिस लाइन में प्रचलित 42वीं वाहिनी पीएसी नैनी प्रयागराज से आमद कराए रिक्रूट आरक्षियों का 6 महीने का प्रशिक्षण सकुशल पूरा हुआ। इस अवसर पर भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह द्वारा पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया गया। सोनभद्र पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, जहां चौकी रेड़कूट थाना पिपरी पुलिस द्वारा चोरी और धोखाधड़ी में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और डुगडुगी बजवाकर आरोपियों के निवास स्थान पर नोटिस चस्पा करा दिया गया है। देवरिया के रुद्रपुर में रामानंद सहित 6 घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने से गरीब परिवार बेघर हो गया। वहीं कई पीड़ितों ने रुद्रपुर तहसील में पहुंचकर एसडीएम संजीव उपाध्याय से अपनी बात रखी और छोटे छोटे बच्चे सहित परिवार के लोग एसडीएम चैंबर के बाहर बैठने पर मजबूर है। एसडीएम संजीव उपाध्याय तुरंत चैंबर से बाहर आकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की उम्मीद जताते हुए नजर आए। ग्राम नई खास बलवनी ब्लॉक तहसील रुद्रपुर का मामला है। ये गोंड समाज के कुछ लोग थे, इनको ज़बरदस्ती बिना किसी नोटिस के जेसीबी लगा करके प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं। एसडीएम साहब ने कहा है कि इनको तत्कालिक 2 दिन के अंदर पट्टा मुहैया कराया जाएगा और इनको आवास वास की व्यवस्था कराई जाएगी। अगर 2 दिन के अंदर इनकी व्यवस्था नहीं होती है तो मैं पूरे ज़िले पर धरना प्रदर्शन करूँगा और अपने इस समाज को न्याय दिलाऊँगा। वो 132 की भीटा की जमीन थी, उस पर अवैध अतिक्रमण था, अस्थायी अवैध अतिक्रमण था, उसको नियमानुसार ही हटवाया गया है। और अगर इनके पास जमीन रहने के लिए नहीं है तो हम इनको नियमानुसार पट्टा की कार्रवाई करके इन सबको स्थापित कराएंगे। जब तक कोई व्यवस्थित आवंटन नहीं हो जाता, आवास नहीं मिल जाता, तब तक कोई खाली नहीं करता। नहीं, हमारे पास है जमीन है, हम इनको पट्टे की कार्रवाई करके इनको पट्टा देंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहने वाली शुभी गुप्ता की उम्र 11 साल है। इस छोटी सी उम्र में शुभी ने न सिर्फ अपना और अपने परिवार का बल्कि देश का नाम भी दुनिया भर में रोशन कर दिया है। शुभी ने मालदीव में आयोजित पश्चिमी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक दिलाया है। इसके अलावा देश विदेश में अब तक वो कई पदक अपने नाम कर चुकी है। शतरंज खेलने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता से मिली थी, जो पेशे से इंजीनियर है। मैंने पहले स्टेट में सेकंड लिया और डिस्ट्रिक्ट में थर्ड लिया और फर्स्ट लिया अंडर 17 में, अंडर 9 में फर्स्ट लिया और उसके बाद मैं नेशनल अंडर 9 में गई थी, उसमें मैंने 9th 10th पोजीशन ली थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने COVID-19 में प्रैक्टिस करी और फिर मैंने पिछले साल अंडर 11 में नेशनल चैम्पियनशिप ली थी और वेस्टर्न एशियन में सेकंड आई थी और इस साल अंडर 12 में नेशनल चैम्पियनशिप ली थी और अंडर 16 में थर्ड लिया था। और ये सब मेरे कोच हैं प्रसन्नजीत सर, प्रसन्नजीत दत्ता सर, उनके वजह से बहुत मेहनत लगी हुई है। कन्नौज में तेज रफ्तार पिकअप के पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया और पिकअप सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी घोड़े के घोड़े पर पलटी, लिए कम चोट आई। कितने लोग सवार थे? लगभग माते 15-20 जने। कितने लोग घायल हो गए? घायल हो गए लगभग में 12-13 लोग। बदायूं के केदार चौक और केदारगंज रोड पर बने ब्रेकर पर बाइक स्लिप होने से एक बड़ा हादसा हो गया और बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं ग्रामीण लोगों ने बताया कि इन ब्रेकरों से बचने से काफी लोगों की मौत हो चुकी है और अगर ब्रेकर यहां से नहीं हटाया गया तो यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मथुरा चौकी कृष्णनगर के शंकर विहार के पास बने SB साइंटिफिक पैथोलॉजी में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। इस दौरान कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
हम तो अंदर अपने बायोकेमिस्ट्री में वर्किंग कर रहे थे, उसी में कैमरे में हमने देखा मेरे ऑफिस से धुआं आया, तो हम लोग निकल के बाहर भाग गए तो काफ़ी ज़्यादा धुआं था, मेरे ख्याल से ऑफिस में तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वो ज़्यादा अंदर है तो वहाँ से हम लोग अंदर घुस नहीं पाए क्योंकि वो कांच के ग्लासेस हैं वहाँ पे, तो वहीं पर ही आग लगी, अंदर या बाहर तो नहीं है लेकिन अंदर ऑफिस में लग गई है। अभी हमारे को सूचना मिली थी तो तत्काल मौके पर जो FSO और हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची और प्रथम दृष्टया पाया गया कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट से लगी है, जो उनका पीछे ऑफिस बना हुआ था, वेंटिलेशन के कोई प्रावधान नहीं थे, कोई फायर फाइटिंग अरेंजमेंट नहीं है और यहाँ पर जैसे ही टीम आई तो काफ़ी धुआं था, उस धुएं को वेंटिलेट किया गया, उसके बाद तो दो आदमी छत के ऊपर फंसे हुए थे उनको निकाला गया और आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। बिजनौर में भारी बारिश के चलते सड़कों और पुलिस चौकी रामलीला मैदान में पानी की निकासी ना होने की वजह से जल भराव हो गया। वहीं पहली ही बारिश ने नगर पंचायत झालू के अफसरों की पोल खोलकर रख दी है, साथ ही पानी भरने से स्कूली बच्चों से लेकर राहगीरों को गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।